अब मैं आपको दे रहा हूँ उसका डायग्राम कि एक्चुअल में एलईडी जलाता कैसे है। ओके सर, क्या जलाता कैसे? आपने यूट्यूब में वीडियो देखा था? बता दीजिए सर, क्या मेरा का समझ आने वाली यहाँ वोल्टेज है 12 वोल्ट? यस सर, 12 वोल्ट लिखना गलत है। VCC VDD ग्राउंड। ओके, और बैकलाइट ये आपकी जो है आपकी बूस्ट कॉइल से होते हुए ये आपकी पहुँचती है आपकी मॉस्फेट पे। हाँ, मॉस्फेट पे। ये मॉस्फेट लगा होगा मॉस्फेट के ड्रेन पे। ओके, गेट होती है और एक ग्राउंड होती है। सोर्स गेट बना रहा हूँ उसको ग्राउंड। ठीक है। ओके सर, ये सोर्स हो गई, ये आपकी गेट होती है। ये गेट जो है वही SLPS की तरह ये आपकी एक आईसी जुड़ी हुई होती है। इसमें इस आईसी को कंट्रोलर आईसी बोलते हैं। ओके सर, क्या कंट्रोलर आईसी क्यों बोलते हैं? उसकी वजह होती है। यहाँ से वही ड्राइव निकलती है यहाँ पे। yes, ठीक है। एक वोल्ट, डेढ़ वोल्ट, आधी वोल्ट, दो वोल्ट, यहाँ ड्राइव आती है, इससे आउट होती है सर। आउट ड्राइव, ये आउट ड्राइव यहाँ पे होती है तो यहाँ वाली ये वोल्टेज है आफ्टर ऑन बूस्ट हो जाती है। After run boost मतलब यहाँ आने वाली 12 वोल्ट है वो ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके सर, अब यही वोल्ट जो है आपके डायोड वगैरह से होके एज अ प्रोटेक्शन वगैरह में होके यही प्लस पॉइंट बन जाता है। ओके सर, अब ये जो है आपका क्या हो गया प्लस पॉइंट। ओके, बैकलाइट आउट, यही आपकी आउट होगी। ओके, अब ये होता क्या है कि ये ड्राइव तो उसको मिल रही है आईसी पे, पर ये आईसी कैसे ऑन होती है? यही सप्लाई जो है इस आईसी पे भी जाती है। ठीक है ना? क्या होता है आईसी पे आईसी पे भी जाती है, पर ये आईसी ऑन नहीं होगी। ये बैक इसको बूस्ट नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक रियल सिग्नल नहीं, बैकलाइट सिग्नल नहीं आएगा। बूस्ट भी कर देगी लेकिन एलईडी नहीं जलाएगी। ये कब जलाएगी? जब ये बैकलाइट सिग्नल जो है ये जब इसकी आईसी में पहुंचेगा कंट्रोलर पे, तब ये जो है एलईडी जलाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बैकलाइट सिग्नल इस पर पहुंचेगा नहीं तो लाइट जो है जलेगी नहीं, ऐसा हो बूस्ट नहीं होगा। बूस्ट तो ये हो जाएगा एक बार तो, लेकिन लाइट नहीं जलेगी। उसकी वजह है जो लाइट लगी हुई होती है वो इस पर डिपेंड नहीं होती है। क्या होता है? प्लस पर डिपेंड नहीं होती है, वो डिपेंड होती है माइनस माइनस पे। ये जो प्लस है ये आपकी एलईडी में जाती है। कहाँ? एलईडी पे। ये लगी आपकी एलईडी, तो ये प्लस पे चली गई एलईडी के। जो माइनस पॉइंट होता है वो ग्राउंड नहीं होता। क्या होता है? ग्राउंड नहीं। ये जो है ग्राउंड से टच नहीं होता। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इस आईसी जुड़ा होता है, रजिस्टर वगैरह लगते हैं। ओके, होम में लगी हुई होती है रजिस्टर, इससे जुड़ा हुआ होता है। ओके सर, तो जब ये ड्राइव इस बैकलाइट सिग्नल इस पर नहीं पहुंचता है ना, तब तक ये वाला सिग्नल काम नहीं करता, तो बैकलाइट नहीं जलेगी। आप देखोगे वोल्ट बूस्ट हो रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रही। बूस्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लाइट जल जाए, क्योंकि उसका दूसरा पॉइंट इस आईसी से जुड़ा हुआ है। और ये आईसी उसी हिसाब से वोल्टेज देती है जिस हिसाब से उसका लोड पड़ता है। एलईडी 12 वोल्ट की होगी तो ये 12 ही आउट करेगी, यहाँ पे 12 ही आएगी। और इसी ड्राइवर पे आप 24 वोल्ट की एलईडी लगाओगे तो यहाँ 24 निकलेगी। क्यों? ये कंट्रोल करती है, ये तय करती है कि यहाँ कौन से वोल्ट की एलईडी लगी है, कितना लोड मेरे पे पड़ा है, कितनी आउट मुझे देनी है। क्या देना है? इधर से देता है या इधर से देता है? इधर ये आती तो इधर से ही है। ये इसको कमांड देता है ना, गेट के जरिए या माइनस के जरिए, फिर यहाँ से जाके ट्रेन से जाता है। वो वहीं पे उतनी बनेगी जितनी ये चाहेगी। ओके सर, ये फिक्स नहीं होती वोल्ट। ओके सर, अभी मैं इस पे 22 इंची का सेट लगाऊं, हो सकता है 30 वोल्ट दे रहा हूँ, 25 वोल्ट या 12 वोल्ट सर। अब इसी पे मैं लगा दूं 32 इंची तो यही वाला ड्राइवर फिर 40 50 80 90 वोल्टेज देने लगेगा। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? 40 वाले 25 30 देगा, जब उस पर 32 का लगा दूंगा तो 80 90 भी दे देगा। तो ये कंट्रोलर आईसी करती है काम। ओके सर, अब फॉल्ट क्या आते हैं? फॉल्ट जो है इस प्लस पे कभी भी नहीं होते, माइनस पे आते हैं। फॉल्ट इसके माइनस पॉइंट पे होते हैं, ये रजिस्टर जल जाती है या आईसी खराब हो जाती है, ये होता है। ये तो वोल्टेज ये ग्राउंड नहीं आ रहा करके हम बजर से चेक कर सकते हो? बजर से चेक होने में आ नहीं पाती उसकी, किस लिए मॉस्फेट होता है आपको निकाल के चेक करनी पड़ती। सबसे अच्छा तरीका जो जेन्युइन जमीन है के लिए, सीधा ये जो इस पे जो माइनस पॉइंट पर रजिस्टर लगी होती है चेंज नहीं होती है। होता क्या है, ये ग्राउंड से लगी हुई होती है। क्या होता है? ग्राउंड से लगी हुई, ये जो है ना ग्राउंड से लगी हुई होती है रजिस्टर। ओके सर, क्या होता है ये रजिस्टर जो है पैरेलल में होती हैं, ग्राउंड से जॉइंट होती हैं। अब सारी पैरेलल में लगी हैं, अब इन पैरेलल वाली रजिस्टरों में देखो ऐसे होता है, ये जो माइनस सिग्नल होता है बैकलाइट का, यस सर, माइनस वाला, ये जो है यहाँ पे रजिस्टर इस तरीके से लगी होती है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये कंट्रोलर पर पहुँचती है। यस सर, और ये जो पॉइंट है इसके दोनों दोनों जो है ये ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं। ओके सर,
अब ये लगी है 10 ओम कितनी एग्जांपल ये लगी है 33 ओम ये लगी है 100 ओम अब आपको ये चेक करनी है आपने चेक करी तो सही दिखाएगी दिखाएगी भले खराब हो जाए पैरेलल क्यों बगल वाले की दिखाएगी बदलना पड़ता है ये खराब हो जाती है ये लो ड्राइवर में दिखा देता हूं ये लगी है ये खराब हो जाती है अच्छा ये यहां से जो आ रही है ना ये वाला जो है आपका ये माइनस पॉइंट है ऊपर वाला जो है ये ग्राउंड से जुड़ी हुई है तब से इसमें जा रही है ओके सर ये खराब हो जाती है इसका बगल में मोसफेट भी होता है ना सर मोसफेट या ट्रांजिस्टर लगाना मोसफेट एंड चल नहीं नहीं इसका नेगेटिव में भी ट्रांजिस्टर या मोसफेट हां इसमें हां ये लगाना बैकलाइट सिग्नल के लिए ये लगा ट्रांजिस्टर अच्छा अच्छा ये लगा एक होता है ओके सर इसके अंदर होता है तो मैं रिपेयर करता हूं ना अधिकतर ये या ये खराब होता है ये इसकी दिक्कत नहीं आती ओके सर हां जी सर यहां से